जिनकी वीरता के किस्से सुन सुनकर, जिनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर हम सब बड़े हुए। कवि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर गए थे और उन्होंने चाक का टुकड़ा उठा के दो लाइन लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। शब्द भेदी बाण, उस बाण की ताकत दूसरे के मुल्क में आंखें फूटी हुई और उसके बावजूद भी सुल्तान को चित करने वाले जिस बहादुर महापुरुष के मूर्ति के अनावरण के लिए आज ये 36 बरादरी की सरदारी आई है, उसका दोहा हर किसी को बचपन से चंद्र बरदाई की वो लाइनें प्रेरित करती रही है और पृथ्वीराज का वो काम प्रेरित करता रहा है। 4 बांस 24 गज 8 उंगड़ परमाण और ताहे पर सुल्तान है मच्छू के चौहान। इस मौके पर उपस्थित संत समाज, और आज मुझे फक्र है भारत के रक्षा मंत्री जिनकी नजरें देखकर हमारे पड़ोसी देश थरथराते हैं, जिनकी निगाहों से भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, जिन्होंने भारत को उन 3 मुल्कों की श्रेणी में खड़ा किया है, या तो अमेरिका या तो इजराइल, 2 ही मुल्क ऐसे थे उन पे कोई अटैक करता था तो उस मुल्क में जाकर अटैक करते थे। आज भारत का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह होने से भारत पर कोई अटैक करता है उसके मुल्क में जाकर ठोकते हैं, हम उसके मुल्क में ठोकते हैं। ये बदलाव भारत है। आज चीन की हिम्मत नहीं पड़ती है भारत की सीमाओं की तरफ निगाह करने की। आज भारत राजीव गांधी की तरह ये नहीं कहता कि मैकमोहन लाइन मोटी लाइन से खींच दी गई है 25 किलोमीटर इधर उधर पता ही नहीं चलता, राजनाथ सिंह जी को 25 इंच भी पता चलता है, अगर कोई घुसता है तो खदेड़ देते हैं। आज का भारत राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्री का भारत नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त पर अपनी बनाई हुई तोपों से सलामी देता है। आज का भारत पानी में अपना विक्रांत उतारता है। आज का भारत हथियार मंगाता नहीं, दुनिया को हथियार देता है। ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री का स्वागत इस कुलाना की वीर भूमि पर करते हुए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, ये वीरों की भूमि है, हर घर में फौजी है, हम सेना में भर्ती अगर 10 होते हैं तो बलिदानों में हम 25 होते हैं, ऐसी ये भूमि है, गांव गांव वीर भूमि, अगणित है शौर्य गाथा। और आज आपके आने पर यहाँ का हर वीर आपको शीश निभाता, आपको प्रणाम करता है, आपका वंदन करता है। मुझे आनंद है मुख्यमंत्री जी की नीतियों को तुड़वा के, नीतियां अलाउ नहीं कर रही थी लेकिन इन्होंने दरियागली दिखाई और कुलाना में हमको बेटियों का कॉलेज दिया, मैं स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी से दोबारा नीतियों को तुड़वा कर और हमने संस्कृति स्कूल पटौदा में बनाया, जबकि जिले में 1 बनता था, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और एक नीति और तुड़वाना चाहते हैं, ये CLU की नीति और तोड़ दो, NOC कर दो, हमारा भी ऐसा जुगाड़ हो जाएगा, ये गुड़गांव वाले ठाकरों से रिश्ते होने लग जाएंगे, नहीं तो अभी हमको ये कम मानते हैं, थोड़ा बराबरी पा जाएंगे वहां के जवानों के साथ, वहां के इलाके के साथ थोड़ी कृपा करना, थोड़े समय की कर देना, किसान के अपने लिए कर देना, कुछ ना कुछ कृपा इस विषय पर जरूर करके जाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपकी पहले बड़ा प्रेम रहा है इस इलाके के प्रति और आगे भी आज आपका प्रेम वैसा ही बरसना चाहिए। एक मांग हमारे सांसद जी ने की, हम बार बार करते रहे हैं, सैनिक स्कूल वाली बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं,
ठाकुर साहब आप आए हैं, सीएम साहब हैं, और आपका प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। और जब प्रेम होता है तो नीतियां टूटी जाया करती हैं, बदली जाया करती हैं। मुझे लगता है कि ये नीति भी बदलेगी। सड़कें हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन अब काफ़ी सारी सड़कों की हालत नहीं है। चाहे झज्जर से बहादुरगढ़ जाना हो, चाहे यहाँ से गुड़गावा जाना हो, चाहे बादली की तरफ जाना हो, कई रोड बड़े अच्छे हो गए। KMP अच्छा है, उसके साथ साथ सोनीपत जाने, बागपत जाने वाला रास्ता अच्छा बढ़ गया। लेकिन यहाँ से ऐसा रास्ता चाहिए, यहाँ की रिश्तेदारियाँ अलीगढ़ तक हैं, बुलंदशहर तक हैं, वो रास्ता भी चकाचक बना दो, रिश्तेदारों को आने में देर ना लगे। वो सड़क हमको सबसे अच्छी चाहिए, वो अच्छी जुड़वा दो, ये आपसे निवेदन करते हैं। ये पूरा ज्ञापन पूरा नहीं पढ़ रहे, आपको पूरा ज्ञापन देंगे। और आपने बहुत वर्षों से सुबाना में एक स्कूल जो है बिल्डिंग बनी हुई है किसान स्कूल की, उसके लिए भी हमने पहले मांग की थी, उसमें भी कोई स्किल का कॉलेज बनवाए। और जैसे मैं निवेदन करूंगा, बड़े दिनों बाद हमने ये जलसा किया है, बुलाए हो, कभी ऐसी स्थितियां थी कि कोरोना आ गया था और आ गया था, बड़े जलसे में कई दिन बाद आए हो। और नई पंचायत भी बन गई है, चारों हलके के लिए 50-50 करोड़ रुपये कम से कम जरूर जो खजाना खोल के जाना, जिससे नए सरपंचों को भी कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिले और उनको भी ये दिखाने का मौका मिले। राजपूत समाज की धर्मशाला की मांग हमने की है, 85 लाख बकाया है, वह तो माफ कर दियो और 1 करोड़ और दे दियो, बढ़िया बना के उद्घाटन के लिए आपको बुलाएंगे, उसके लिए भी आपसे निवेदन करते हैं। और एक रेलवे लाइन की बात MP साहब ने भी की है, सर्वे भी हुआ था, उसको भी पूर्ण तार दियो, जो है ये अपीछे निकल जाएगी। और बाढ़सा की जो है एम्स तक अगर मेट्रो का भी एक प्रपोजल पहले से आपके सामने है, वह पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से पेशेंट आने और जाने में भी आसानी हो जाएगी। और एक सबसे और महत्वपूर्ण मांग, यासेर सिंह भी आए हैं और हमारे करणी सेना के साथी भी आए हैं, या समाज के सभी लोग उपस्थित हैं, भाई संजय सिंह और नैनपाल रावत भी हैं, सुनीता दुग्गल और DP वस्त जी भी हैं, रामविलास शर्मा पधारे हैं, और इन सब के सामने कोई भी मुकदमे, कोई से भी धरने के प्रदर्शन के हो, चाहे पद्मावती वाले हो, वो भी मुख्यमंत्री जी सारे वापस लेने की कृपा करना, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि जब कोई समाज के गर्व और गौरव को चोट पहुंचाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, हम गौरव का नुकसान नहीं देख सकते, समाज की गरिमा का नुकसान नहीं देख सकते। आज आपके नेतृत्व में मान्यवर भारत का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है, जहां सैनिक क्षेत्र में हो रहा है वहां तीर्थों पर भी हो रहा है। कभी आपकी सरकार विश्वनाथ का गौरव बढ़ाती है, कभी वैद्यनाथ का गौरव बढ़ाती है, कभी महाकाल का गौरव बढ़ाती है, और कभी जो है केदारनाथ का गौरव बढ़ाती है। ये समाज जो सामने बैठा है, ये भी गौरव और गरिमा के लिए लड़ा करता है, ये हम भी गौरव के लिए लड़ते हैं, ये संत समाज भी गौरव की बात करता है। और इसलिए हम आज का जो चित्र हमने लगाया है वो भी गौरव के लगे लगाया है, उस गरिमा और गौरव नई पीढ़ियों में आता रहे, जो पृथ्वीराज चौहान में था, कुछ दिन पहले राव तुलाराम था। हम सब गौरव और गौरव से जीने वाले लोग हैं, इसलिए सेना में जाते हैं, गर्व और गौरव पर मरते हैं, शान पर मरते हैं। और इसलिए किसी शान के कारण से किसी कानून में गुस्ताखी हो गई हो तो CM साहब ये समझ के कि ये शान और आन और बान की लड़ाई थी, ऐसे सब मुकदमे किसी भी समाज के हैं, उनको खत्म किया जाए, माफ किया जाए, ये आपसे निवेदन करते हुए आज तो मैं तो यहां निमंत्रण देने वालों में हूं, अपनी और बात नहीं रखते हुए आपके साथ मांगने वालों में हूं। हम सुनने आए हैं ठाकुर राजनाथ सिंह जी को, भारत के आलीशान शानदार रक्षा मंत्री को, जिनका एक एक शब्द जब राजनाथ सिंह जी बोलते हैं तो भारत नहीं सुनता, चीन भी सुनता है, पाकिस्तान भी सुनता है, लाइव कैमरे लगाकर सुनते हैं। ऐसे आलीशान रक्षा मंत्री को सुनने के लिए आए, हम भी एक एक शब्द सुनकर जाएंगे और माननीय मनोहर लाल जी को सुनकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, बोल पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, जय भवानी, भारत माता की।